गूगल शीट में रैंक फॉर्मूले के बारे में देखेंगे कि रैंक फॉर्मूला कैसे यूज होता है। बहुत आसान है, यहाँ पर रोमन लिखा हुआ है, इसे मैं रैंक में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रैंक RANK। अब यहाँ पर हमें रैंक कैलकुलेट करना है, तो जैसे ये मान लीजिए आउट ऑफ 100 ये बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। अब यहाँ पर अलग अलग मार्क्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, इसके हिसाब से इनकी रैंक कैलकुलेट करनी है। तो रैंक फॉर्मूला यूज कैसे होगा, इज इक्वल टू रैंक लगाइए, बिल्कुल एक्सेल के जैसे ही है। यहाँ पर इस वाले रैंक को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए और इस पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट। तो यहाँ से ये पूरा डेटा मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रैंक जो है इसमें दिक्कत ये आती है कि ये एक ही मतलब अलग अलग तरीके से रैंक जो है सही से कैलकुलेट करके नहीं देता। जैसे इनको भी 20 रैंक मिला, इनको भी 20 रैंक मिला, इसी तरह से ये दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, F2 दबा के फॉर्मूले को एडिट करना है और इस पूरे रेंज को, ये देखिए ये वाली रेंज जो हमने दोबारा सिलेक्शन में लिया था, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसको फिक्स कर दीजिए F4 दबा करके। बस आप एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो गया है। यहाँ पर इनको मिली है 20 रैंक और इसके बाद से इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी का रैंक रिपीट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर सबको रैंक मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है रैंक को कैलकुलेट करने का। यहाँ पर देखिए इनको 1 रैंक मिला हुआ है, तो ये गूगल शीट में भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली।